Hello students, my name is Manas Pandey and I'm going to complete the topic governor today. Here I'll be discussing about the two things. Number one is the power of the governor and second is the controlling force of the governor. Okay, so let us start with the power of the governor. Okay, power kya hoti hai? Power is the product of, it is a very simple and the best definition that power is the product of effort and displacement of the speed. Theek? एफर्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. एफर्ट क्या होता है? एफर्ट एक मेन फोर्स होता है. मेन फोर्स क्या होता है? मान लीजिए गवर्नर एक इक्विलिब्रियम स्पीड पे चल रहा है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नर चल रहा है 200 आरपीएम पे. ठीक, तो जब इक्विलिब्रियम स्पीड होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब अगर 200 आरपीएम पे है तो 200 आरपीएम पे ही सी बिना ऊपर या नीचे मूव के अपनी पोजीशन पे ही मूव करता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड. अब बताइए, जब कोई स्लीप ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा तो उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी. अब मैं कह रहा हूँ कि स्लीप को अपनी पोजीशन से हमें ऊपर ले जाना है, मतलब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एफ भाई फोर्स लगाना पड़ेगा. हमने फोर्स लगाया, मान लिया हमने ई फोर्स लगाया. तो अब आप मुझे बताइए, शुरू में फोर्स जीरो था, फिर फोर्स पढ़ के ई हो गया, तो मीन फोर्स क्या हुआ? जीरो प्लस ई बाई टू. यही मीन को फोर्स को बोलते हैं क्या? एफर्ट ऑफ द गवर्नर. ये सामने आपके बना हुआ है, देखिए एफर्ट ऑफ द गवर्नर. ठीक, तो पावर क्या हो जाता है? पावर का फॉर्मूला ये हो गया, एफर्ट ऑफ द गवर्नर इंटू, ये जो है इसके बजाय याद रखिए क्या, एफर्ट ऑफ द गवर्नर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव. अब मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव, आप देख पा रहे हैं ना ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव का फॉर्मूला, ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ. चलिए, अब देखिए आपके सामने दो डायग्राम बने हुए, एक लेफ्ट साइड वाला डायग्राम और एक राइट साइड वाला डायग्राम. सबसे पहले आप इस राइट साइड वाले डायग्राम को देखिए, ये है इसका स्लीव. ठीक है, जरा से यहाँ देखिए, ये टोटल हाइट है. मान लीजिए स्लीव से ऊपर तक की टोटल हाइट क्या है? एच, कैपिटल एच है. ठीक है, हाइट ऑफ द गवर्नर क्या होती है? दोनों बॉक्स को मिलाने वाली स्पिंडल को जहां पे कट करे वहां, और दोनों हाथ जहां पे स्पिंडल को टच कर रही है वहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर. इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? कैपिटल एच बराबर होता है 2H. ठीक है, ये होता है हाइट ऑफ द गवर्नर का 2 टाइम्स होता है टोटल हाइट. ठीक, अब जरा सा इस डायग्राम को देखिए, सेम डायग्राम में क्या हुआ? स्पीड बढ़ी तो स्लीप कहाँ गया? स्लीप ऊपर गया. कितना ऊपर गया? मान लीजिए स्लीप का डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स हुआ ऊपर. जब स्लीप एक्स ऊपर जाएगा तो भाई ये टोटल हाइट थी. ठीक है, अब बताइए नेट हाइट क्या हो जाएगी? पहले नेट हाइट थी कैपिटल एच, अब नेट हाइट क्या हो जाएगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल एच माइनस एक्स हो जाएगी. ये हो जाएगी टोटल हाइट. अब मुझे बताइए, ये जब टोटल हाइट हो गई इस समय, और यहाँ पे दोनों स्लीप को जब मिलाया तो हमने एक मान लिया इस समय, पहले नेट हाइट क्या थी? हाइट ऑफ द गवर्नर क्या थी? स्मॉल एच. अब क्या है? हाइट ऑफ द गवर्नर हो जाएगी एच वन. ठीक, तो यहाँ पे देखिए एच माइनस एक्स बराबर टू टाइम्स एच वन. जैसे यहाँ पे था टोटल हाइट का जस्ट हाफ होता है हाइट ऑफ द गवर्नर, तो टोटल हाइट यहाँ पे कितनी बची? एच माइनस एक्स इक्वल टू टू टाइम्स एच वन. ये वाले में से ये वाले को घटा दीजिए तो वट यू विल गेट? स्मॉल एक्स बराबर टू टाइम्स एच माइनस एच वन. यही होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव. आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये सामने देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव. अब इसके बाद हम लोग सीधे सीधे डेरिवेशन करते हैं. देखिए, सबसे पहले मान लिया हाइट जो है कहाँ से कहाँ हो रही है? एच से एच वन हो जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड भी तो चेंज होगी ना. मैंने बताया था जब इसके पहले वाले एफर्ट में कि मान लीजिए पहले डब्ल्यू स्पीड थी, फिर उसके बाद सी टाइम्स स्पीड बढ़ गई, तो क्या हो गया? डब्ल्यू प्लस सी टाइम्स डब्ल्यू. तो वन प्लस सी टाइम्स डब्ल्यू विल बी दी स्पीड आफ्टर सम टाइम, देन द हाइट विल बी एच वन, द स्पीड विल बी वन प्लस सी टाइम्स डब्ल्यू. अब दो फॉर्मूले, जैसे एग्जैक्टली जैसे एफर्ट में दोनों फॉर्मूले लिखे थे वैसे यहाँ पे भी दोनों फॉर्मूले एच और एच वन के लिए निकाल दीजिए. उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पीड की वैल्यू रख दीजिए. ठीक, तो जब हम पोर्टर गवर्नर की बात करते हैं तो पोर्टर गवर्नर का पावर क्या आ जाता है? इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी. वैसे फॉर सिर्फ कैलकुलेशन आप देखें, यहाँ पे सॉल्व किया तो पावर ऑफ द गवर्नर क्या आ जा रहा है? ये आ जा रहा है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड टोटल पावर ऑफ द गवर्नर. किस गवर्नर की बात हम लोग कर रहे हैं? पोर्टर गवर्नर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पावर बराबर होता क्या? सिर्फ एक चीज होता है, देखिए वो क्या होता है? पावर बराबर एफर्ट, ये एफर्ट है, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीप. ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीप, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? टू टाइम्स एच माइनस एच वन.
अब यहाँ पे देखिए ये जो डेरिवेशन है ये किस गवर्नर के लिए है, एज यू ऑल कैन सी दिस इज फॉर द पोर्टर गवर्नर। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट डू इट फॉर प्रोवल गवर्नर एज वेल एज यू हैव टू डू इट फॉर हार्टनेल गवर्नर। एग्जाम में क्या आएगा कि राइट द डेरिवेशन फॉर पावर ऑफ ए हार्टनेल गवर्नर, राइट द डेरिवेशन फॉर द पावर ऑफ ए प्रोवल गवर्नर और पोर्टर गवर्नर। तो जैसे सिर्फ यही होगा, देखिए आपको बस यही मेन चीज थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीप और यहाँ पे क्या था एफर्ट, बाकी का सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख के यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दी वैल्यू। ठीक, आपको सिर्फ कैलकुलेट करके क्या निकाल देना है, पावर। एग्जाम में ये जरूर आएगा। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू। ओके।